हाय निधि, मैं पापड़ लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बहन के पति ने किसी कारण से ही छोड़ा होगा बहन को। क्यों? मम्मी कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। मैंने सुना नहीं, बोलिए क्या कह रही थी आप। मैं कह रही थी अगर मैं आपकी बेटी को छोड़ दूं तो क्या कारण होगा छोड़ने का। अरे कुछ भी बोल रहे हो क्या? अरे अरे दामाजी, आप तो एक सेकंड में ही भड़क गए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और क्या गलत पूछ लिया मेरी मम्मी ने? जो देखा वही तो पूछ रही है ना। अरे तो जब सब पता है तो खोद खोद कर पूछना जरूरी है क्या? चलिए छोड़िए दामाजी, छोड़िए, आप गुस्सा मत करिए। गुस्सा करने से खून जलता है। शरीर में खून बचा होगा तो जलेगा ना। हाँ हाँ, तुम तो मोबिल ऑयल से चलते हो ना, जैसे खून बचा होगा। ऐसे बात करते हैं? हाँ छोड़ो, चलिए खाना खाइए चुपचाप। वो क्या है ना, बब्बू के पापा कह रहे थे केदारनाथ जाने की। अच्छी बात है, चले जाइए। नहीं नहीं, वो इसे साथ ले जाने के कह रहे थे। अच्छा, हाँ तो मैं यहाँ अकेला कुत्ते की तरह रखवाली करूंगा क्या? ऐसा कहा है क्या मेरी मम्मी ने? है? और वो एक दिन के लिए आई है, तुम सीधे मुंह बात नहीं कर सकते उनसे? तो मैं कौन सा गाली गलौज कर रहा हूँ तुम्हारी मम्मी के साथ? और एक्शन का तो रिएक्शन होगा ही। अरे माफ कर दो दामाद जी, नहीं ले जाएंगे हम अपनी बेटी को साथ में, माफ कर दीजिए हमें, बस अब लड़ा मत करिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और वो तुम क्या कह रहे थे, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अब झेलो। चुप। झेलने वाली कौन सी बात है? हाँ? पति पत्नी का रिश्ता झेलने वाला थोड़ी होता है। कहीं कहीं रिश्ता सिर्फ झेलने वाला ही होता है। क्यों, क्या खराबी है हमारी बेटी में? एक हो तो बताओ ना। हाँ हाँ, सारी बुराइयां तो मुझी में ही है ना, तभी तो 30 साल से तुम जैसे साधु इंसान को झेल रही हूँ। अरे तो मैंने जबरदस्ती तुम्हें बांध कर नहीं रखा है, अपनी अपनी जिंदगी है, मैं नहीं पसंद तो कोई और ढूंढ लो। हाँ, अब यही तो बाकी रह गया था सब कुछ, है ना, इतने सालों से सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, अब दूसरा साथी ढूंढ दो। और बातों को क्यों घुमा रहे हो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा ही मन करे बाहर किसी और को ढूंढने का, देख रही हो मम्मी? अरे ये सब करना होता तो कब का कर चुका होता। आए दिन दोरे डाले जाते हैं मुझ पर, लेकिन मेरी ईमानदारी ने मुझे बचा कर रखा है। ओ सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा, इतने सालों से 55,000 पर ही टिके हो, दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई है। अरे इतना ही लालच था पैसों का तो घूसखोर से शादी कर देनी चाहिए थी। आए दिन जब बीमारी के लपेटे में रहती आपकी बेटी तो पता लगता। बुरा मत मानिएगा दामाद जी, लेकिन अगर एक बेटी होती ना आपके, तो सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाती जब उसकी शादी की टेंशन होती। क्यों, मेरे ससुर ने घूस के पैसों से शादी करी थी क्या? देखो बात हमारी और तुम्हारी हो रही है, इसमें मेरे प्यारे पापा को लाने की जरूरत नहीं है। तो इनसे बोलो हमारे घर के बीच में क्यों कूद रही हैं? कमाई हमारी, खर्चे हमारे, परेशानी इन्हें हो रही है। परेशानी तो होगी ही ना जब अपनी बेटी का दुख देखेंगे तो। क्यों, आपकी बेटी का घर बरसात में टपकने लगता है क्या? अरे वो ऐसे नहीं बोल रही है, वो आस पड़ोस की लड़कियों की खुशियों को देख के ये बात बोल रही है। बताओ मम्मी, कैसे पिंकी अमेरिका चली गई है? अरे इसका मतलब आप तो एक नंबर की जलनखोर हो, जिसकी जैसी किस्मत होगी उसे वैसा ही मिलेगा ना। अरे तो मेरी बेटी के भाग्य में ही लिखा था क्या भगवान ने ये दुख? अरे कौन सा दुख देख लिया आपकी बेटी ने? चिल्ला के बात मत करो मेरी मम्मी से, कह देती हूँ मैं। नहीं तो क्या करोगी? करने को बचा ही क्या है, मैंने तो मंडप में ही कह दिया था तेरे पापा को कि गुन्ना आदमी मिला है, ये एक दिन फटेगा। अरे मम्मी ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा था, ये तो डोली में ही फट गया था। घरों को कहने लगा सही से डोली चलाओ, अगर ज्यादा हिलाओगे तो पैदल चलने लग जाऊंगा। अरे तो इसमें गलत क्या था, एक ग्राम विकास अधिकारी किसी डोली के भरोसे नहीं रहता। भरोसा तो हमारा टूट गया दामाद जी, जो हमने अपनी बेटी भोले शंकर को सौंप दी, अब ये आए दिन अपनी तीसरी आंख खोले रखते हैं। आपकी बेटी भस्म तो नहीं हो गई ना? मोम की नहीं बनी हूँ जो भस्म हो जाऊंगी, आए बड़े तीसरी आंख खोलने वाले। बुरा मत मानना दामाद जी, लेकिन मेरी बेटी ना सही मायनों में आपको झेल रही है। हाँ हाँ, अपनी बेटी की तरफदारी करने से कहाँ चूकोगी आप? इसमें तरफदारी वाली कौन सी बात है, जो उन्होंने देखा सुना महसूस किया वही तो बोल रही है। महसूस तो मैं भी सुबह से बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्या महसूस कर लिया आपने सुबह से, हैं? सोचा था पूरा एक दिन अपनी बेटी के साथ बैठकर चैन से बात करूंगी, पर नहीं, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने आज भी महाभारत छेड़ दी। हाँ हाँ, मैं पुतिन हूँ ना जो बिना बात के हमला कर दूंगा। तुम तो पुतिन के भी बाप हो, अच्छे खासे सत्संग में भी मार काट करवा सकते हो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आपका ये लड़ाकू स्वभाव है तो कभी जिंदगी में भूल कर भी अपनी बेटी इस घर में ना देती। मैं आवेदन देकर नहीं आया था आपकी बेटी के लिए, और इतना ही बुरा है ये घर तो ले जाओ अपनी बेटी को। लेकर जाऊंगी नहीं, लेकर आऊंगी पूरे गांव को, अब तो महापंचायत होगी महापंचायत। एक ग्राम विकास अधिकारी किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करता। धमकी नहीं है ये, चेतावनी है। और बेटी तुझे कोई जरूरत नहीं है इस आदमी से डरने की, इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी।
मैं भी एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर थर कांपते हैं मुझसे। अरे बहुत कांप गया दफ्तर, बहुत कांप गए दफ्तर के लोग। अब कांपने की बारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। देख लेंगे कौन कांपता है। हेगड़ी ना छुड़ा दी ना फिर कहना, तुम अगर ग्राम विकास अधिकारी हो तो मैं भी बैंक मैनेजर की बीवी हूँ बीवी। और हाँ, तुमने जो आज मेरा दिन बनाया है ना, इसका तो मैं सूद समेत बदला लूंगी। फिलहाल जा रही हूँ। मम्मी सुनो, मम्मी कहाँ जा रही हो? आज तो बहुत हो गया, अब मैं भी जा रही हूँ। भूलो मत, मैं भी एक बैंक मैनेजर की बेटी हूँ, और जब तक तुम मेरी मम्मी से माफी नहीं मांग लेते, वो भी सबके सामने, तब तक नहीं वापस आऊंगी। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी माफी नहीं मांगता। माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी सबके